भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स, तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है, जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक, मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। दिल्ली यूनिवर्सिटी में नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए बम्पर वैकेंसी निकली है। चलिए जान लेते हैं कि आखिर ये वैकेंसी क्या कुछ है और इसके लिए योग्यता कितनी चाहिए, साथ ही अगर आपका चयन होता है तो उसके लिए प्रोसेस क्या कुछ है। चलिए, अगर आपकी भी इस वैकेंसी में दिलचस्पी है तो इस पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए। कुल पद 1145। आधिकारिक वेबसाइट www.du.ac.in, recruitment.nta.nic.in। चलिए अब जान लेते हैं कि महत्वपूर्ण तारीखें कौन कौन सी है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 28 अप्रैल 2021। आवेदन शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 29 अप्रैल 2021। ऑनलाइन फॉर्म में संशोधन करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल से 2 मई 2021। चलिए अब आपको पदों के बारे में कुछ डिटेल जानकारी दे देते हैं। हिंदी ट्रांसलेटर 2 पद, असिस्टेंट मैनेजर गेस्ट हाउस 1 पद, जूनियर इंजीनियर 10 पद, सीनियर असिस्टेंट 45 पद, योग ऑर्गेनाइजर 1 पद, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट 5 पद, नर्स 7 पद, जूनियर वर्क असिस्टेंट 35 पद, सिक्योरिटी ऑफिसर 1 पद, लैब असिस्टेंट 53 पद, असिस्टेंट 80 पद, नोग्राफर 77 पद, लाइब्रेरी अटेंडेंट 109 पद, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट 58 पद, टेक्निकल असिस्टेंट 51 पद, मेडिकल ऑफिसर 15 पद, असिस्टेंट रजिस्ट्रार 6 पद, प्राइवेट सेक्रेटरी 2 पद, लैब अटेंडेंट 152 पद, इंजीनियरिंग अटेंडेंट 52 पद। चलिए, तो देखा आपने कि कितने सारे पद खाली हैं और इन सभी पर भर्ती होगी। आइए जान लेते हैं कि आखिर योग्यता क्या कुछ चाहिए। योग्यता पद के अनुसार, तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यता की जरूरत है और अगर आपकी भी किसी पद में दिलचस्पी है तो DU के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इन पदों के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लें और DU के ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी भी हमने आपको दे दी है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आपने आवेदन किया तो आपका चयन किस आधार पर होगा। NTA दिल्ली यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट 2021 के तहत उम्मीदवारों का चयन राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की ओर से आयोजित ऑनलाइन टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू और स्किल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। चलिए अब आवेदन शुल्क के बारे में भी जानकारी आपको दे देते हैं। सामान्य और अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 1000 रुपए, OBC EWS महिला वर्ग के उम्मीदवार के लिए 800 रुपए, SC ST PWD वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 600 रुपए। तो अगर आपकी भी इन नौकरी में दिलचस्पी है तो आवेदन जरूर करें और साथ ही अगर आपके किसी पहचान वाले दोस्त या रिश्तेदार को भी नौकरी की तलाश है तो इस नौकरी के विषय में ये जो वीडियो है उनके साथ जरूर साझा करें, क्योंकि हमारी कोशिश यही रहती है कि रोज सुबह 7 बजे नौकरी के वैकेंसी से जुड़ी एक जानकारी हम आपके लिए लेकर आए और अगर आपकी उस जानकारी के जरिए नौकरी लगती है तो हमारी पूरी डिजिटल टीम को बड़ी खुशी होगी। साथ ही बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।